सो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 10th एंड 12th के स्टूडेंट्स को लेकर जो कि इस साल बोर्ड के लिए अपीयर होने वाले हैं एंड उनकी डिमांड्स के बारे में जानेंगे इस वीडियो में कि बोर्ड्स को लेकर उनकी डिमांड क्या है गवर्नमेंट से कि क्या वो बोर्ड कैंसिल क्यों करवाना चाहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली सबसे पहले इस बात को समझते हैं कि 10th एंड 12th के स्टूडेंट इतना फोर्स क्यों कर रहे हैं गवर्नमेंट को बोर्ड एग्ज़ाम कैंसिल करवाने के लिए। ठीक है, तो इससे पहले भी जो मैंने वीडियो बनाई थी उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि बोर्ड स्टूडेंट जो है ट्रेंड कर रहे थे ट्विटर पे हैशटैग कैंसिल बोर्ड एग्ज़ाम 2022 को लेकर। ठीक है, एंड अभी भी उन्होंने एक जो है ट्रेंड किया है हैशटैग कैंसिल बोर्ड परीक्षा को लेकर। ठीक है, तो बेसिकली इतना फोर्स क्यों करना गवर्नमेंट को। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि उनकी प्रॉब्लम क्या है। तो सबसे पहली बात कि जो 10th एंड 12th की बोर्ड एग्ज़ाम है, ठीक है, एंड जो स्टूडेंट्स है अपीयर होने वाले बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, वो उनके जो है स्टडीज़ बराबर नहीं हो पाई है। ठीक है, तो बार बार कोविड-19 की वजह से सब कुछ क्लोज़ करना पड़ रहा है जिसकी वजह से उनकी स्टडीज़ पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है। ठीक है, तो बार बार जो है जैसे जैसे इंक्रीज़ हो रहे केसेस तो बार बार स्कूल्स एंड कॉलेजेस क्लोज़ करना पड़ रहा है जिनकी वजह से उनकी जो है इस साल की जो स्टडीज़ है वो प्रॉपर नहीं हो पाई है। ठीक है, एंड उनकी स्टडीज़ प्रॉपर नहीं हो पाई इसीलिए वो मतलब कि डिमांड है उनकी गवर्नमेंट से कि बोर्ड एग्ज़ाम कैंसिल करो 2022 की। ठीक है, तो ऑनलाइन मोड में ऐसा है कि जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें समझ में नहीं आता है। ठीक है, जो भी टॉपिक्स हैं पर्टिकुलर टॉपिक एंड वो डिस्कस भी नहीं कर सकते किसी से।